हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ बाय बोरोसिल बिल्कुल लेटेस्ट ग्लास का लंच बॉक्स है। कांच बहुत ट्रेंड में आज के टाइम में, लोग जैसे प्लास्टिक बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं और स्टील भी अवॉइड कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बाय बोरोसिल ग्लास लंच बॉक्स विद कवर है। और ऑफिस या एज वेल एज स्कूल के छोटे बच्चे उनसे लेकर ऑफिस तक हर बंदा इसे यूज कर सकता है, इसकी स्पेशलिटी है। बाय बोरोसिल ये ब्रांड है, इस तरीके से एक आउटर बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है, ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं है। 520 ml का ये लंच बॉक्स है जिसका नाम है माइक्रोवेवेबल क्लिप एंड स्टोर पार्टीशन ग्लास लंच बॉक्स 520 ml। बोरोसिल का है, तीन चीजें कंपनी ने मेंशन करी हुई है, हाईलाइट करी है, जो कि मैं बता देता हूँ। लीक रेजिस्टेंट, माइक्रोवेव प्रूफ, स्टेन फ्री। जी हाँ, कभी भी इसमें हल्दी का दाग नहीं आएगा, आप माइक्रोवेव सेफ यूज कर सकते हैं और लीक रेजिस्टेंट है, कभी भी इसमें खाना लीक भी नहीं होगा। इसमें कंपनी ने मेंशन किया हुआ है यू कैन एंजॉय अ फ्रेश टेस्टी मील ऑन द गो, बहुत अच्छी टैगलाइन है जो कि बाय कंपनी ने लिखी हुई है। इस तरीके से एक कवर है, जैसे कि मैंने देख पा रहा हूँ, बहुत सुंदर कवर है और काफी ट्रेंडी कलर के साथ ही इसका कवर है। इस तरीके से ये कार्ड है जो कि कंपनी ने दिया हुआ है, इसमें आप कुछ बेक भी कर सकते हैं, गर्म ठंडा कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। ये कवर है, कंपनी ने अलग से कुछ नहीं दिया हुआ, ना कोई नैपकिन है, ना कोई हैंकी है, ना कोई स्पून फॉक, कुछ नहीं है। साथ में एक स्पेयर दिया हुआ है कि अगर आप अपना कुछ हैंकी रखना चाहें, नैपकिन रखना चाहें, हम यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। अब मैं इसकी चेन की अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी काफी अच्छी है जो कि बाय बोरोसिल है। फोर लॉक्स के अंदर ये लंच बॉक्स है इस तरीके से, और बहुत सुंदर और स्टडी लंच बॉक्स है। अब इसका क्या एडवांटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं इसका यहाँ रख दूँ। हाँ, इस तरीके से ये भी हटा देते हैं, ये पार्टीशन है, जो कि पार्टीशन है वो भी पूरा का पूरा ग्लास का है, कांच का है। चाहे आप इसमें फ्रूट्स लेके जाना चाहें, या आप इसमें साइड में सब्जी या इधर चपाती लेके जाना चाहें, बिल्कुल हाइजीनिक है, हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। और मेन बात क्या है, अगर आप इसका ढक्कन लगा देंगे इस तरीके से, तो ये जो स्पिल प्रूफ ढक्कन के साथ है, जो आप इधर कोई कॉन्टेंट डाल रहे हैं तो वो इधर नहीं मिक्स होगा, या इधर वाला कॉन्टेंट जो है वो इधर नहीं मिक्स होगा। बहुत अच्छा हाइजीनिक फूड ग्रेड मटेरियल के साथ ये लंच बॉक्स है बाय बोरोसिल। हॉट एंड कोल्ड आप दोनों इसमें यूज कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं आप इसे। और बोरोसिल का जो मेन एडवांटेज, जो फीचर्स होते हैं, अब मैं आपको वो भी बताता हूँ और लिस्ट भी करा देता हूँ। ग्लास कैन सेफली यूज फॉर हॉट फूड और लिक्विड। जी हाँ, लिक्विड आप फूड भी डाल सकते हैं और अपना लिक्विड भी डाल सकते हैं, गर्म ठंडा कुछ भी। ग्लास डज नॉट लीच केमिकल। जी हाँ, जो भी इसमें ग्लास यूज हुआ हुआ है उसमें कोई भी केमिकल या कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है, तो आप बिल्कुल हेल्दी उसमें कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद ग्लास इज सस्टेनेबल एंड डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। जी हाँ, जो ग्लास है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है और वैसे भी काफी अच्छा है। अगर मैं इसमें माइक्रोवेव की बात करूं तो अप टू 400 डिग्री तक आप इसे यूज कर सकते हैं। 400 डिग्रीज लाइक बहुत ज़्यादा होता है, और आप उसमें कुछ भी बेक भी कर सकते हैं तो भी उसमें कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली। और अगर मैं ठंडे की बात करूं तो -20 डिग्री सेल्सियस तक ये जाएगा। जी हाँ, अगर आप इसे फ्रीजर में भी रख रहे हैं तो भी यू कैन यूज, तो भी उसमें लंच बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मतलब इतना बढ़िया लंच बॉक्स है। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइसिंग इसका जो है 945 इसकी एमआरपी है, जिसमें अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ओपन करें और वहां पे जो लिंक है उसे ओपन करके आप काफी अच्छा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। बाय बोरोसिल लंच बॉक्स है, थोड़ा सा महंगा है। जी हाँ, थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है क्योंकि नियर अबाउट 950 रुपये या 945 इसकी जो एमआरपी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। बट क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ या और किसी ब्रांड की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा लंच बॉक्स नहीं है अभी किसी भी ब्रांड का जो कि बाय बोरोसिल ने लॉन्च किया है, और बोरोसिल अपने जो क्वालिटी है वो मेंटेन्ड भी रखता है। इस तरीके से काफ़ी सुंदर है ये, नीचे बोरोसिल की स्टैंपिंग भी है। और एक जो नेगेटिव पॉइंट होता है कांच का, वो मैं आपको बता दूं कि अगर ये गिरेगा तो टूट जाएगा, तो इसीलिए बिल्कुल केयरफुल होकर आप इसे यूज़ करिए। और काफ़ी अच्छा ये लंच बॉक्स है जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर आपको ये लंच बॉक्स के रिव्यू अच्छे लगे हो, या बोरोसिल का कोई और लंच बॉक्स आप देखना चाहें, अनबॉक्सिंग देखना चाहें, या बोरोसिल की स्टील वाले जो लंच बॉक्स आते हैं हाइड्रा रेंज की अनबॉक्सिंग देखना चाहें, तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, उसे ओपन करके आप उसके भी रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। और अगर आपको ये रिव्यू अनबॉक्सिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नए नए प्रोडक्ट्स की नई नई वीडियोज़ आप तक रेगुलर पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।